शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने की चर्चा के बीच महाराष्ट्र के किसान प्याज को MSP के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वह ग्राम पंचायतों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्याज को MSP के दायरे में लाने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि उनका लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। फिलहाल 23 फसलों पर MSP मिलता है जिसमें प्याज शामिल नहीं है। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है। देश का करीब 40% प्याज यहां पैदा होता है, लेकिन प्याज की कमी कीमत से किसान निराश हैं। इस वर्ष किसानों को न्यूनतम मूल्य 50 पैसे से बता दें ये 75 पैसे से लेकर 4 रुपये प्रति किलो तक मिल रहा है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि अगर इसे MSP के दायरे में नहीं लाया गया तो कई किसान इसकी खेती छोड़ देंगे। प्याज के इतने कम दाम किसानों को कभी नहीं मिले। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लागत 15 रुपये से 18 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच होती है, लेकिन इस समय इतनी कीमत भी नहीं मिल रही है। जबकि किसानों को करीब 30 रुपये मिलते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा। इसके लिए नेताओं को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, लेकिन वह चुप हैं। उनका कहना है कि व्यापारियों और राजनेताओं की मनमानी के चलते प्याज की इतनी कम कीमत मिल रही है। वहीं बता दें, महाराष्ट्र में कम से कम 1.5 करोड़ किसान परिवार हैं जिसमें कम से कम 10% यानी 15 लाख लोग प्याज की खेती करते हैं। ये सभी लोग इन दिनों मुश्किल में हैं। जिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए चुना था, वे प्याज की इतनी कम कीमत के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए संगठन के लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायकों और सांसदों को पत्र भेजकर हर ग्राम पंचायत से पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें पता है कि 1 किलो प्याज के बदले किसानों को कितना पैसा मिल रहा है। जब चुनाव आते हैं तो किसानों की आय बढ़ाने की बात होती है। आज किसान 1 रुपये किलो प्याज बेचने को मजबूर हो है तो वह लोग कहाँ जाएं जो अपनी आमदनी बढ़ाने की बात करते थे। वहीं प्याज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत लाने की मांग क्यों नहीं उठाई गई। वहीं बता दें कि किसान वही फसल उगाते हैं जिसका अच्छा दाम मिलता है। अगर प्याज को इतनी कम कीमत मिलेगी तो लोग सोयाबीन या कपास की खेती करेंगे। ऐसे में प्याज पर हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर बढ़ेगी। देश में सालाना लगभग 2.60 करोड़ मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन होता है, जिसमें से हर साल कम से कम 16 मिलियन मीट्रिक टन प्याज घरेलू बाजार में बेचा जाता है। करीब 25 लाख मीट्रिक टन प्याज भंडारण के दौरान खराब हो जाता है। इसी तरह 35 से 40 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात होता है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में किसान खेती छोड़ देते हैं और उत्पादन में कमी आती है तो भारत सरकार को इसके आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए इसकी लागत में 50% लाभ जोड़कर इसे MSP के दायरे में लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।